विकास नहीं है, कहाँ भुला गया, गायब हो गया। अब विकास नाम का चीज तो ऊपर से बहुत कुछ जानते सुनते हैं पेपर के माध्यम से, नहीं है यहाँ तो कनेक्शन ही नहीं है कुछ चीज की। अमीर कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार, गरीब आदमी कहाँ से पानी पी सकता। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, लाइव नेशनल सेवन में आपका स्वागत है, मैं शादाब मलिक। बिहार में विकास ढूंढ रहे हैं हम, विकास ढूंढ रहा है शादाब, और उसी कार्यक्रम के तहत हम आए हैं जहानाबाद के मनियावा गांव में। जहानाबाद से घोसी जाते हुए ये मनियावा गांव है, जहां का ये सामुदायिक भवन आप देख रहे हैं कि किस अवस्था में है, कैसी जर्जर हालत है। हम आपको दिखाएंगे कि यहां पर ये जो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उन लोगों ने का ये एक तरह से उनके ये भगवान है, ये रविदास गुरु रविदास जी की मूर्ति है, उनका ये मंदिर इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर ये सामुदायिक भवन है और लोग इसमें रहते हैं, और जो ये पिछड़ी गांव के इस ये आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है, ऊपर का की हालत आपको नजर आ रही है, जो ढलाई के नाम पर ये ढलाई है या क्या है आपको खुद नजर आ रहा होगा किस तरह से टूटी हुई हालत में है। हम अंदर जाते हैं और सामुदायिक भवन का ये हॉल है, आप देखिए किस तरह की स्थिति में ये हॉल है। लाइट का तो कहीं से मुझे नजर नहीं आ रहा है कि कहीं पर लाइट की व्यवस्था है, ऊपर से वायरिंग वायरिंग है, बल्ब है, लाइट है या नहीं ये पता नहीं। लाइट है, लाइट नहीं, लाइट कनेक्शन ही नहीं, कनेक्शन नहीं है। और हम अभी लोगों से बात भी करेंगे यहाँ के हालात कि इन लोगों को क्या क्या तकलीफ है, आप बताइए कि क्या दिक्कत आप लोगों को। हाँ, हमको दिक्कत ये है कि हम लोग मनियामा ग्राम के एससी क्लास के हैं, और हम लोग का रहने सहने का एक समुदाय भवन है, वो भी जर्जर स्थिति में होल है। अब विकास नाम का चीज तो ऊपर से बहुत कुछ जानते सुनते हैं पेपर के माध्यम से, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग एकदम नारकीय ढंग से रह रहे हैं। आपको पता है बाबा विकास कहाँ है? विकास नहीं है, कहाँ भुला गया, गायब हो गया। ये हम देखिए किस तरह से ये लोग हैं यहाँ पर, ये शेड्यूल कास्ट के लिए बनाया गया सामुदायिक भवन है, जहाँ ये लोग अपना शादी ब्याह फंक्शन जो भी होता है वो करते हैं, ये सरकार की तरफ से बनाया। मगर जो इसकी स्थिति है, जो इसकी मौजूदा स्थिति है, कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। हाँ यहाँ बहुत स्थिति खराब है सर, हम लोग के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए जाना पड़ता है किसी और के घर, जैसे लाइट हम लोग का अब घर में पहुंच गया, लेकिन घर में लाइट कभी कभी आते रहती है जाते रहती है, लेकिन हम लोग सोचते हैं यहाँ पर पढ़ाई करें, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ कंडीशन ही खराब है, तो क्या पढ़ाई करें। तो आप लोग का गाँव कहाँ पर है? गाँव तो हम लोग का उधर ही है, यही है, लेकिन में आप लोग का भी घर है और आप भी लोग पिछड़ी जाति से आते हैं। जी जी, हम लोग पिछड़ी जाति से आते हैं। गाँव की हालत इनका कहना है कि हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था बहुत खराब है, सामुदायिक भवन है, यहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं, मगर यहाँ भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट है कि नहीं है यहाँ? लाइट नहीं है यहाँ तो, कनेक्शन ही नहीं है कुछ चीज की। सामुदायिक भवन में कनेक्शन नहीं है, हर घर बिजली पहुंचने की बात है, मगर बिजली है या नहीं है हम आपको दिखा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं, उनका उनकी आवाज है, जो जिनकी आवाज मीडिया को बननी है, जो पिछले पायदान पर बैठे लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या स्थिति है, आप लोग किस तरह का परेशानी है। परेशानी तो है सर कि हमने के घर द्वार भी नहीं है, हमने रहा ही तो टूटल फूटल में रहा ही, हमने कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार, क्या क्या स्थिति है इस गांव की, मनियावा की क्या क्या दुख है इनकी, हम इनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है। हम लोग का पानी ना है सर, नल ना हम लोग तरफ गया है, गरीब आदमी कहाँ से पानी पी सके। अनुसूचित जाति की हैं ये लोग, इसी मनियावा गांव की हैं, और हर घर जल नल की योजना सरकार चला रही है बिहार सरकार, मगर इनके घर पर पानी नहीं है, पीने की दिक्कत है। आप लोग के घर पर पानी है? हाँ, पानी है। आप क्या है और आपको? कहीं नाली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, तो कहीं बिजली नहीं है, और सरकार विकास कर रही है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए कि किसी घर में आज गेस्ट लोग आ गए, फिर गेस्ट में थोड़ा भीड़ उड़ाका हो जाता है, तो फिर यहाँ ब्लॉक को सुलाने में थोड़ा सा पानी से फीलिंग देखिए कि जब जमीन देखिए देखिए ये स्थिति है यहाँ पर। शौचालय यही क्या, शौचालय ये क्या है? ये शौचालय है, ये शौचालय है, आप देख सकते हैं कि शौचालय की स्थिति दिखाइए।
देखिए कि शौचालय है मगर जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है कि अंदर में बेसिन नहीं लगा हुआ है, पुआल लगा हुआ है, जो कि स्थिति आप दरवाजा भी नहीं है कि उसे बंद किया जा सके। इस पर लिखा है स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, नारी अब मजबूर नहीं, शौचालय अब दूर नहीं। लीजिए बगल में शौचालय है, दूर नहीं है शौचालय। जहानाबाद के ये सामुदायिक भवन का शौचालय बनाया गया है जिसको पार करने के लिए एक पुल की आवश्यकता होगी। जो पुल यहाँ पर नहीं है, अगर वो पुल होता तो शायद अंदर जा सकते और अंदर जाते तो ढूंढते कि शौचालय कहाँ जाए, शौच कहाँ करें, क्योंकि अंदर में ना बेसिन है, ना पानी है, ना किसी तरह की व्यवस्था है, तो लोग बाहरी में अपना काम कर ले रहे हैं। तो स्थिति आप देख सकते हैं बिहार की, बिहार के विकास की, और यही विकास हम बिहार में ढूंढ रहे हैं। लाइव नेशन सेवन बिहार में विकास ढूंढ रहा है शादाब के साथ, और हम आपको हर एक जगह का विकास दिखाएंगे और सरकार की हकीकत बताएंगे। तो खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।